हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज 1.2। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने फोर क्वेश्चन कर लिए थे, अब हम करने वाले क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। चेक वेदर सिक्स की पावर एन यानी सिक्स की पावर एन है कैन एंड विद डिजिट जीरो फॉर एनी नेचुरल नंबर एन। आपको ये बताना है कि अगर सिक्स की पावर एन हो, एन एक नेचुरल नंबर है, तो क्या कभी इस नंबर की एंडिंग जीरो पे हो सकती है। जैसे अगर आप एन की वैल्यू नेचुरल नंबर वन पुट करो, टू पुट करो, थ्री पुट करो, सो ऑन, तो क्या यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है कभी आपको जीरो मिल सकता है। आप देखेंगे यूनिट प्लेस पे हमें नंबर सिक्स मिल रहा है, और इसी तरीके से अगर हम लोग कोई भी पुट करें वैल्यू तो हमें जीरो नहीं मिलने वाला। लेकिन क्वेश्चन मार्क है कि हम लोग इस चीज को प्रूव कैसे करेंगे, तो उसको प्रूव करने का तरीका क्या है वो ये है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ सिक्स की पावर एन आर। तो क्या प्राइम फैक्टर्स है, टू मल्टीप्लाई बाय थ्री और होल की पावर एन हो गया। आगे लिखेंगे इफ एनी नंबर टू बी एंड विद जीरो इट मस्ट हैव टू एंड फाइव एज इट्स प्राइम फैक्टर्स। अगर किसी भी नंबर ने जीरो पे एंड होना है तो इसके पास टू एंड फाइव दोनों प्राइम फैक्टर्स होने जरूरी हैं। बट अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक सिक्स की पावर एन हैज यूनिक फैक्टर्स दैट इज टू मल्टीप्लाई बाय थ्री एन suggest that it will never have five as prime factor। थ्योरम के मुताबिक सिक्स की पावर एन के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो फिक्स रहेंगे, यानी कि इसके पास कभी भी फाइव एज अ प्राइम फैक्टर नहीं हो सकता। सो सिक्स की पावर एन कैन नेवर एंड विद जीरो वेयर एन इज अ नेचुरल नंबर। तो ये चीज हम लोगों को प्रूव करनी थी, तो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये चीज हमारी प्रूव हो गई। तो मतलब किसी भी नंबर ने अगर जीरो पे एंड होना है तो उसके प्राइम फैक्टर्स टू और फाइव जरूर होने चाहिए, लेकिन अरिथमेटिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये कहती है किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स फिक्स होते हैं। तो इसके प्राइम फैक्टर सिक्स की पावर एन के टू बाय थ्री बने तो फाइव नहीं आया, तो इसलिए ये कभी भी जीरो पे एंड नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखिए, एक्सप्लेन वाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जिनके दो से ज्यादा प्राइम फैक्टर्स होते हैं। दो से ज्यादा प्राइम फैक्टर्स नहीं, एक्चुअली दो से ज्यादा हम लोग कह सकते हैं फैक्टर्स होते हैं, दे आर कंपोजिट नंबर। अब सेवन मल्टीप्लाई बाय इलेवन मल्टीप्लाई बाय थर्टीन प्लस थर्टीन, तो पहले ये नंबर है तो थर्टीन कॉमन निकाल लेंगे, तो इट विल बी सेवन इंटू इलेवन और यहाँ पे रह जाएगा प्लस वन, क्योंकि थर्टीन हमने कॉमन निकाला है। सेवन को इलेवन से करेंगे, सेवेंटी सेवन प्लस वन, सेवेंटी सेवन में वन ऐड करेंगे तो इट विल बी सेवेंटी एट। अब सेवेंटी एट के अगर आप प्राइम फैक्टर्स बनाओगे तो इट विल बी टू मल्टीप्लाई बाय थ्री मल्टीप्लाई बाय थर्टीन। आप क्लियरली देख सकते हो टू थ्री एंड थर्टीन का स्क्वायर। यहाँ पे इसके पास दो से ज्यादा फैक्टर्स हो गए हैं, तो वी कैन से दिस इज अ कंपोजिट नंबर।
लोग लिखेंगे एज देयर आर मोर देन टू फैक्टर्स, सो 7 × 11 × 13 + 13 इज अ कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट भी हम लोग इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और प्लस का 5, तो 5 कॉमन ले लेंगे, तो व्हाट आर वी लेफ्ट विद, 7, 6, 4, 3, 2, 1, 5 बाहर है तो प्लस 1 लिख देंगे। नाउ आप इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे तो 7 × 6 होता है 42 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 1008 प्लस 1, तो वी विल गेट 5 मल्टीप्लाई बाय 1009। तो अब यहाँ पे आप लोग देखिए कि आपके पास ये दो नंबर बन गए, 1009। अगर हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन में बन भी नहीं रहा फिर भी कोई हमें इशू नहीं है, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सिंपली लिखेंगे कि 1 तो एक फैक्टर होता ही होता है, दो फैक्टर आपके पास और आ गए, तो हम लोग लिखेंगे तो एज देयर आर मोर देन टू फैक्टर्स, सो दिस नंबर इज अ कंपोजिट नंबर। तो ये नंबर जो है वो एक कंपोजिट नंबर हो गया। चलिए अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7, मतलब दो से ज्यादा फैक्टर आपने प्रूव कर दिए तो आप लोगों को मतलब सीधा लिख देना है कि वो एक कंपोजिट नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, एक खेल का मैदान है स्पोर्ट्स फील्ड और उसके अराउंड एक सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, सोनिया 18 मिनट का टाइम लेती है पूरा चक्कर लगाने में, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स, और रवि को 12 मिनट लगते हैं सेम चीज के लिए। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम, मान लो दोनों को सेम पॉइंट पे स्टार्टिंग होती है और सेम टाइम पे वो शुरू करते हैं एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन पे ही वो जा रहे हैं, तो आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे वो दोबारा मिलेंगे ऐसा कितने मिनट के बाद होगा। चलिए मैं आपको पहले डायग्राम बनाते हैं, ये सर्कुलर पाथ हो गया सपोज कर लो, अब सपोज कर लेते हैं दिस इज पॉइंट ए जहां से रवि और सोनिया इकट्ठे स्टार्ट कर रहे हैं, तो रवि और सोनिया की बेसिक स्टार्टिंग सेम है लेकिन रवि ने ये पूरा एक सर्कल 12 मिनट्स में और सोनिया को ये 18 मिनट्स लगने हैं, तो इसका मतलब ये हो गया जब वो दोबारा मिलने वाले हैं वो वाली वैल्यू 12 और 18 मिनट से बड़ी होने वाली है, तो इसका मतलब वी हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। यार कि ऐसे क्वेश्चन में या तो यू हैव टू फाइंड एलसीएम और यू हैव टू फाइंड एलसीएम, जब क्वांटिटी बड़ी फाइंड करनी होगी तो एलसीएम फाइंड करेंगे, जब वैल्यू छोटी फाइंड करनी होगी तो एचसीएम फाइंड करेंगे, क्योंकि क्लियर कट है 12 मिनट से पहले तो वो मिल ही नहीं सकते क्योंकि स्टार्टिंग जब उनका सेम हो रहा है तो फिर जैसे ही ये स्टार्ट करेंगे ट्रैक को कवर करना रवि जो है वो सोनिया से आगे रहेगा, तो इट मीन्स रवि और सोनिया दोबारा मिलेंगे लेकिन काफी टाइम के बाद, तो लेट अस कैलकुलेट द एलसीएम, पहले 12 के प्राइम फैक्टर्स बना लो 2 × 2 × 3, फिर 18 के प्राइम फैक्टर्स बना लो 2 × 3 × 3, तो अब आपको पता है कि एलसीएम के लिए हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम के लिए हम लोग सारे फैक्टर्स उठा लेंगे 2 और 3। अब एलसीएम में हमें पावर क्या देखनी होती है, बड़ी वाली, तो 2 की पावर 1 और 2 में 2 बड़ा है, 3 में 1 और 2 में से 2 बड़ा है,
फोर मल्टीप्लाई बाय नाइन दैट इज 36। तो इसका मतलब क्या है, 36 मिनट्स के बाद दोबारा रवि और सोनिया सेम पॉइंट पे मिल जाएंगे। और ऐसा क्यों पॉसिबल हो रहा है, रवि 36 मिनट्स में तीन सर्कल कंप्लीट कर लेगा और जो सोनिया होगी वो इन 36 मिनट्स में दो सर्कल कंप्लीट करेगी। तो बेशक दोनों सेम टाइम सेम मतलब जगह पे दोबारा इकट्ठे हो जाएंगे 36 मिनट्स के अंदर, लेकिन डिफरेंस ये रहेगा कि रवि उस टाइम पे तीन सर्कल कंप्लीट कर लेगा और सोनिया के दो राउंड कंप्लीट होंगे, लेकिन वो दोबारा इसी पॉइंट पर 36 मिनट्स के बाद मिल जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये तीनों क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे और एक्सरसाइज 1.2 हमारी कंप्लीट हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।